स्पॉट न्यूली डिस्कवर हुआ, तो इसके बारे में ज्यादा बोर्ड वगैरह नहीं लगे, पूछ के बंदे को आना पड़ता है यहाँ पे, बस और कुछ नहीं है। या कुछ हो जाए तो गाड़ी का निकलना वहाँ से बड़ा ही मुश्किल है। दूसरा, इस जगह पे हमारी गाड़ी आ गई, फंस गई थोड़ी सी, जगह जगह पे गड्ढे पड़े हैं, पानी इकट्ठा हो रखा है। तो मतलब चेंजिंग इन द वेदर वो बहुत मजेदार है यहाँ पे आके एंजॉय करने के लिए। लेकिन अभी थोड़ी डेवलपमेंट होनी चाहिए, जैसे रास्ता थोड़ा खराब लग रहा है, थोड़ी आने में प्रॉब्लम हो रही है। बाकी तो ठीक ही है, यहाँ पर अच्छा है, घूमने लायक है। वेदर आप देख सकते हैं, पल भर में यहाँ पे शाम हो रही है, पल भर में यहाँ पे धूप आ रही है और मौसम काफ़ी अच्छा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सुनने में आ रहा है कि ये डैम का पानी है। जय हिंद, आप देख रहे हैं बाहू एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। जो तस्वीरें आपको दिखाई हैं, ये सफ़र जो है हमने किया, और क्योंकि काफ़ी ट्रेंडिंग ये प्लेस जो है वो चल रहा है सोशल मीडिया की अगर बात करें तो, उसके बाद काफ़ी लोग जो है वो एक्सप्लोर करने यहाँ पर पहुँच रहे हैं और दूर दूर से लोग जो है यहाँ पहुँच रहे हैं। हालांकि वीकेंड लॉकडाउन रहता है जिसमें सैटरडे संडे ऑफ रहता है, उसके चलते यहाँ पर चहल पहल कम दिखती है, लेकिन उसके बाद आज वीकेंड लॉकडाउन नहीं तो तस्वीरें मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। पहले आप इन वादियों का, इस प्लेस का जो है वो नज़ारा देखिए कि पहाड़ों के बीच में किस तरीके का नज़ारा है। यूँ मानो कि जन्नत जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है, और किस तरीके का नज़ारा, किस तरीके का तस्वीरें ये हैं, और दूर दूर तक आप देखेंगे सिर्फ़ और सिर्फ शांति, सकून, ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। हालांकि बात करें तो अभी फैमिलीज़ जो हैं वो घरों से बाहर निकल रही हैं, और ये नई नई जगह है अगर बात करें तो चिनका जगह का नाम। और दूसरी तरफ की तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा, फैमिलीज़ जो हैं वो घरों से बाहर हैं और अपनों के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। हालांकि अभी कोरोना के चलते लोग जो हैं वो कम आ रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट जो है इस एरिया की अगर बात करें तो अभी काफ़ी जो है वो होने योग्य है यहाँ पर, और अगर डेवलपमेंट जो है उस तरीके से सरकार करवाती है तो आने वाले दिनों में ये एक ऐसा स्पॉट हो सकता है जिससे लोगों को रोज़गार भी मिल सकता है, और आने वाले दिनों में जम्मू के अंदर एक और टूरिस्ट स्पॉट जो है हमें
देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल तस्वीरें दिखा सकता हूँ आपको, और परिवार जो हैं एज ए पिकनिक स्पॉट जो है इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, और फैमिलीज के फैमिलीज यहाँ पहुँच रही हैं, खाने का सामान, छोटे छोटे बच्चे जो हैं आप देख सकते हैं तस्वीरें, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर फैमिलीज़ के साथ आकर, और पूरी पूरी फैमिलीज़ में कहूँ तो इंजॉय कर रही हैं। लेकिन हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, फिलहाल अलग अलग लोग बैठे हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे बात करने की और जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग कहाँ से आए हैं और कितनी दूर सफ़र करके यहाँ पहुँचे हैं, और किस तरीके से लगता है कि ये प्लेस जो है इसे एक्सप्लोर जो है वो किया जाना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में डेवलपमेंट के रास्ते खुलें और रोज़गार यहाँ के लोगों को भी मिले। हालाँकि हम यहाँ पर पहुँचने में हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और मौसम की बात करें तो मौसम जम्मू से काफ़ी अलग है यहाँ पर, और कभी भी मौसम जो है वो अपनी करवट जो है बदलता है। जब हम आ रहे थे उस समय बारिश, तेज भरकम बारिश जो थी वो देखने को मिली, उसके बाद मौसम ने करवट ली और एकदम से खचाखच धूप जो है वो दिखाई दे रही है। लेकिन तस्वीरें देखिए आप किस तरीके की शांति से और सुकून यहाँ पर इन तस्वीरों को देखकर आपको भी मिलेगा, और ये चीज़ जो है ये एक्सप्लोर करने का मौका आपके पास भी है। अगर आप कभी रियासी वाली साइड से निकलें या फिर आप आएँ, आप प्लान बना रहे हैं तो इस जगह का प्लान बनाएं और यहाँ पर फैमिली के साथ पहुँचें, और सरकार तक ये बात भी पहुंचे ताकि लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और इसे जो है डेवलप किया जाए। और फिलहाल अभी जो आने वाली इलेक्शंस अगर होती हैं डिलिमिटेशन के बाद, तो यह प्लेस जो है इसे प्राथमिकता भी दे अदर प्लेसेस की तरह, जैसे कश्मीर के अंदर या जम्मू के अंदर और पर्यटक स्थल जो हैं वो खोले जा रहे हैं या बनाए जा रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, तो इसे भी जो है वो प्राथमिकता में रखा जाना चाहिए। हमारे साथ यहाँ पर अगर बात करें बड़े से फैमिली जुड़ी हैं, उनमें से एक शख्स हमारे साथ भी हैं, हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं आखिरकार ये कहाँ से आए हैं, कब यहाँ पहुँचे और कितना जो था मनोरंजन किया और कितनी जो है मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि रास्ते जो हैं वो काफ़ी ख़राब हैं, अभी डेवलपमेंट की बहुत जो है वो ज़रूरत है। सर आपका नाम? मेरा नाम विशाल खजूरिया। सर आप कहाँ से आए हैं अभी? हम जम्मू से आए हैं। जम्मू से? जम्मू अरसपुरा से। अरसपुरा से आए हैं आप? सर कैसे आपको पता चला कि ये एक स्पॉट है जो न्यू एक्सप्लोर हुआ है, और फिर किस तरीके से आप यहाँ पहुँचे और आप किन के साथ अभी पहुँचे हैं? सर ये हमें सोशल मीडिया से पता चला कि यहाँ पे एक स्पॉट है चिनका करके, जब हमने इनकी फ़ोटोज़ देखी वीडियोज़ देखी तो हमें अच्छा लगा कि वो अच्छा स्पॉट है, जैसे पत्नीटॉप उस टाइप का स्पॉट लगा, मेन ग्रास लैंड था, पहाड़ थे, एक वैली थी पूरी। जी जी। तो हम सोशल मीडिया से ही देखते हुए यहाँ पे आए। स्पॉट तो बहुत अच्छा है, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट दो तीन प्रॉब्लम्स है। एक तो जो उसकी मेन एंट्री है, जैसे आप भी आए होंगे आपने देखा होगा, जिसकी मेन एंट्री है वो बहुत ख़राब है, अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए या कुछ हो जाए तो गाड़ी का निकलना वहाँ से बड़ा ही मुश्किल है। दूसरा, इस जगह पे हमारी गाड़ी आ गई, फंस गई थोड़ी सी जी। जगह जगह पे गड्ढे पड़े हैं, पानी इकट्ठा हो रखा है, तो किसी वो अथॉरिटी कोई ध्यान नहीं दे रहे, सो ये हमारी उनसे रिक्वेस्ट भी है कि वो इस तरफ ध्यान दे। तो एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ये जो जिस जगह रोड पे कहीं पे भी मेंशन नहीं की गई कि चिनका कहाँ पे है, इवन मैप पे भी नहीं है, मैप पे भी नहीं है। हम आ रहे थे जो ये डैम का एरिया है वहीं से इसका रास्ता था मेन, तो हमने सोचा कि वो तो डैम के लिए बैरी लगा था, पुलिस वाले खड़े थे, तो हमने उससे पूछा भी नहीं, हम सोचे डैम के एरिया यहाँ पे प्रोहिबिटेड है, नहीं जाने देंगे, तो हम आगे चले गए। तो लकली हमने आगे किसी से पूछ लिया तो उन्हें हमें वापस भेज दिया, 10-15-20 किलोमीटर हम आगे निकल चुके थे। अच्छा। कौन सी क्लास में हो? फर्स्ट। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? एयरफोर्स स्कूल में। यहाँ किनके साथ आए हो आप? अपने मम्मा पापा के साथ। मम्मा पापा के साथ आए हो? हाँ। तो आज खूब मस्ती की फिर? हाँ की, और चाचू भी आए थे। चाचू भी आए थे। अच्छा, ये क्या चीज़ अच्छी लगी यहाँ पे? यहाँ पे झूले थे वो अच्छे लगे। झूले भी हैं यहाँ पे? किस साइड झूले थे? ये जो आगे। अच्छा, तो वहाँ पे मस्ती की आपने? हाँ। बाकी और कोई चीज़ अच्छी लगी? बाकी अच्छी लगी। क्या चीज़ अच्छा लगा? इसको देख
पार्क है या अच्छा, अच्छा। इधर देखने को बड़ी सारी चीजें हैं। और अगर बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए कोई मैसेज है कि उनको यहाँ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? यहाँ आप भी आओ, घूमो फिरो, बहुत अच्छी जगह है। चलिए आप मस्ती करिए, आपका समय जो है कीमती, क्योंकि एक ही दिन मिला फैमिली के साथ बाहर घूमने का ना, है ना? हाँ। चलिए ठीक है। मेरा नाम तनु शर्मा है। तनु जी आप कहाँ से आए हैं? जम्मू से। जम्मू से हैं जी। आपको कैसे पता चला कि एक न्यू टूरिज्म स्पॉट जो है वो एक्सप्लोर किया गया जम्मू के अंदर, जम्मू डिवीजन के अंदर? हमें तो सोशल मीडिया से ही पता चला। तो कोई दिक्कत तो नहीं आने में यहाँ पे? नहीं, कुछ खास तो नहीं, ऐसे तो सारा कुछ है, लेकिन जैसे ये स्पॉट न्यूली डिस्कवर हुआ तो इसके बारे में ज़्यादा बोर्ड वगैरह नहीं लगे हैं, पूछ के बंदे को आना पड़ता है यहाँ पे, बस और कुछ नहीं है, बाकी ठीक है। बाकी क्या चीज़ आपको जो है वो अट्रैक्ट की है यहाँ पर आने के बाद? वेदर, अभी हम रास्ते से आ रहे थे, कई जगह पे बारिश हुई, ओले पड़े और आगे आके धूप है, तो मतलब चेंजिंग इन द वेदर वो बहुत मज़ेदार है यहाँ पे आके इंजॉय करने के लिए। तो सिटी की लाइफ की अगर बात करें तो यहाँ पर पहाड़ों की लाइफ, लोग जो हैं वो पहाड़ों पे पानी लेने के लिए देखा हमने आते हैं, दूर दूर तक लेके जा रहे हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस लगा आपको? क्योंकि सिटी में अमूमन लोग जो है डेली शेड्यूल बिजी रहता है, सुबह से शाम रूटीन लाइफ रहती है, यहाँ पे लोग जो होते हैं उनका कुछ फिक्स नहीं होता, जब मन करता है जो मन करता है वो इस तरीके से जीता है जिंदगी। देखिए यहाँ पे पानी की दिक्कत की बात करें तो इतना हमने देखा नहीं, मतलब इनफैक्ट रास्ते में ठंडा पानी पहाड़ों से ही आ रहा था, इतना अच्छा वेदर था। तो बाकी हाँ दिक्कत तो होती है, अगर जो हम लोग सिटी में रहते हैं वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो यहाँ पे आके अगर उनको ऐसी कोई फैसिलिटी फील मतलब प्रॉपरली है नहीं है लोगों को, तो वो तो दिक्कत आती है, बट ऐसा हमने अभी नहीं देखा, बिकॉज हमने यहाँ पे रास्ते में इतना ठंडा पानी इन्जॉय किया, इनफैक्ट बड़ा अच्छा वेदर है यहाँ पे, यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए सबको इनफैक्ट। चलिए आप कोई एक्स्ट्रा मैसेज जो है लोगों को देना चाहते हैं, क्योंकि व्यूअर्स जो हैं इस वीडियो को, हमारी वीडियोस जो हैं वो तमाम लोगों तक पहुँचे कि जम्मू के बाहर भी लोग देखें, अगर बाहर से भी कोई आना चाहता है तो उनके लिए क्या मैसेज है? हाँ जी, बस यही है कि कोविड चल रहा है, पेंडेमिक है, थोड़ा डिस्टेंसिंग तो रखनी चाहिए, थोड़ा देख के मतलब पूरा अच्छी तरह से नॉलेज हो तो फिर ही आना चाहिए फैमिली के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़े कम लोग हैं, हमने इसलिए आज का दिन वर्किंग डे ही चूज़ किया है, तो वीकेंड में ज़्यादा रश होता है, तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए हाइजीनिक का, अदरवाइज दिस इज अ वेरी गुड स्पॉट, मस्ट विजिट। चलिए मैम शुक्रिया। थैंक यू। मेरा नाम हरिओम है। हरिओम जी आप कहाँ से आए हैं पहले तो ये बताएं? मैं जम्मू से आया हूँ। जम्मू से आए जी। तो आपको किस तरीके से पता चला कि एक न्यू जो टूरिज्म है वो स्पॉट जो है उसे एक्सप्लोर किया गया है? मुझे तो पहले फेसबुक के थ्रू और यूट्यूब के थ्रू पता चला है कि ये चिनका जो प्लेस है इसको टूरिज्म से एक्सप्लोर किया जा रहा है, काफ़ी अच्छा प्लेस लगा मुझे तो ये, लेकिन अभी थोड़ी डेवलपमेंट होनी चाहिए, जैसे रास्ता थोड़ा ख़राब लग रहा है, थोड़ी आने में प्रॉब्लम हो रही है, बाकी तो ठीक ही है, यहाँ पर अच्छा है, घूमने लायक है। लोग मतलब कि लोग इस तरीके से भी इसको नाम दे रहे हैं कि पत्नीटॉप, यहाँ आएंगे तो पत्नीटॉप को भूल जाएंगे? सर मिनी पत्नीटॉप तो है ये। मिनी पत्नीटॉप है जी, बिल्कुल है। चलिए सर शुक्रिया आपकी। थैंक यू सर। थैंक यू। बात करने की कोशिश करें क्योंकि फैमिली टाइम जो है वो स्पेंड किया जा रहा है और बड़ा कम समय मिलता है फैमिलीज के साथ, क्योंकि ये इस समय अगर बात करें तो ये समय जो है बड़ा कम मिलता है लोगों को। लॉकडाउन चल रहा था उस समय लोग घरों के अंदर थे, लोग फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे घरों के अंदर बैठ के, जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ है उसके बाद लोग जो है नई नई चीज़ें जो है एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी फैमिलीज के साथ ही घूम रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि इससे पहले अगर बात करें तो लोग जो थे वो सिर्फ और सिर्फ अपनी डे टू डे लाइफ में जो थे बिजी थे और सुबह से शाम जो रूटीन लाइफ चल रही थी वैसे जी रहे थे, कुछ और लोग भी से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप लोगों से इतना जरूर कहूंगा कि आप इन सब लोगों के व्यूज सुनने के बाद आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आपने व्यूज तो बड़ी सारी वीडियोस में देखी भी होंगे क्योंकि लोग जो है आना शुरू हो चुके हैं, लेकिन यहां आने का मकसद ये था कि आप लोगों को जो है एक पॉजिटिव मैसेज जो है पहुंचाया जाए, तमाम जितने भी लोग जहां पर आए हैं, इतना यहां पर अभी रश जो है वो नहीं है, भीड़ नहीं है, लेकिन लोग जो है वो प्रॉपरली जो है वो SOPs का पालन भी कर रहे हैं और यही मैसेज देना चाहते थे, क्योंकि लोग जो है वो ये कह रहे थे कि यहां पर लोग जो है वो कहना कि SOPs का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल ऐसी तस्वीरें यहां से नहीं दिख रही, लेकिन अगर आप भी इस तरफ रुख कर रहे हैं दिक्कत का सामना थोड़ा सा करना पड़ेगा, लेकिन वो क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, डेवलपमेंट आहिस्ता आहिस्ता यहां तक पहुंच जाएगी, जब यहां तक डेवलपमेंट पहुंचेगी आने वाले दिनों में रोजगार के अवसर जो हैं और पर्यटक के स्थल जो हैं वो जम्मू के अंदर बढ़ते चले जाएंगे, ऐसा मानना है। बेटा आपका नाम? दिहरपुरी। दिहरपुरी, बड़ा प्यारा नाम है, किसने रखा है ये नाम? अभी तो मम्मा पापा ने ही रखा है। अच्छा, मम्मा पापा ने रखा है। आप कहाँ से आए हो? जम्मू से। जम्मू से, जम्मू कौन सी जगह से? जम्मू नानक नगर से। नानक नगर से आए हैं। आज आप किनके साथ यहाँ पहुँचे हैं? आज मैं अपने दादू दादी, मम्मा पापा और भाई के साथ यहाँ पे आए। मतलब पूरी फैमिली यहाँ पहुँची है? हाँ। आप कौन सी कक्षा में हो? मैं फिफ्थ में हूँ। फिफ्थ में हो, तो अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन की अगर बात करें घरों के अंदर थे, स्टडीज वगैरह कैसी चल रही हैं? ठीक चल रही है। ठीक चल रही है। टीचर्स वगैरह सहयोग करते हैं? अच्छे से पढ़ा रहे हैं? फीस फूस के लिए तंग तो नहीं करते बार बार? वो नहीं पता। वो नहीं पता है, वो डिपार्टमेंट मम्मा पापा का है। चलिए, यहाँ पर आकर क्या चीज़ अच्छी लगी आपको? मुझे यहाँ की हरियाली बहुत अच्छी लगी। हरियाली बहुत अच्छी लगी। सिटी में जो चीज़ें देखने को मिलती हैं जम्मू में बड़ी कम मिलती है ना?
कम कम मिलती है, कम कम मिलती है। जो छोटे बच्चे और इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज है, उनको क्या कहना चाहोगे? कि हमें हमेशा हरियाली में रहना चाहिए, इतना भी पोल्यूशन में नहीं रहना चाहिए, ट्रीज के पास ऑक्सीजन लेनी चाहिए। मतलब आप उनको ये कह रहे हो कि उनको भी यहाँ विजिट करना चाहिए? यस। ठीक है, अभी क्या मस्ती करी यहाँ पे? मैंने सुना है झूले झाले भी थे, झूले वगैरह लिए कि नहीं लिए? अभी तो नहीं लिए, अभी तो नहीं जा रही थी, लेने जा रहे थे। चलिए, मैंने फिर आपका टाइम ले लिया, आप तो आप मस्ती करने जा रहे थे। चलिए चलिए, शुक्रिया आपने अपना समय दिया। रितु जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं जम्मू से आया हूं। बेसिकली जम्मू से आए हैं जी। तो आप, आपको इस चीज़ के बारे में, इस जगह के बारे में कैसे पता चला? एक्चुअली हमने ये चीज़ सोशल मीडिया पे देखी, फेसबुक यूट्यूब पे, तो हमने देखी तो घर वालों से डिस्कस किया, तो हमने प्लान बना लिया कि आज चलते हैं। ठीक है, तो क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया यहाँ पर आने के बाद? वेदर, आप देख सकते हैं पल भर में यहाँ पे शाम हो रही है, पल भर में यहाँ पे धूप आ रही है और मौसम काफ़ी अच्छा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सुनने में आ रहा है कि ये डैम का पानी है, अब मेरे को इतना खास उसका पता नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छा यहाँ पे व्यू है। आप अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं कभी भी। और लोगों के लिए कोई मैसेज जो जाना चाहता हो? आना चाहता हो यहाँ पे तो आपको थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, आपको पूछ पूछ के आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रास्ते में तो अभी कोई बोर्डिंग है ही नहीं, क्योंकि अभी तक खास किसी को पता नहीं है इस एरिया के बारे में, तो आपको पूछ पूछ के यहाँ पे आना पड़ेगा। चलिए, शुक्रिया आपने कितनी समय दिया जी। थैंक यू। मेरा नाम विकास सिंह है। आप यहीं के लोकल हैं? हाँ जी, लोकल हूँ यहाँ का मैं। तो मतलब थोड़ा इस जगह के बारे में बता सकते हैं कि ये पहले ही ऐसा था कि अभी थोड़ा कुछ चेंजेस हुआ या फिर आर्टिफिशियल है कि नेचुरल है? नहीं, ये सब जो चीज़ें हैं ये सब नेचुरल है, बट इसमें जो प्रमोट किया जो हमारे यहाँ के सरपंच साहब हैं तो उनका बहुत मेन रोल है इसमें, उसमें इनको प्रमोट करने के लिए। जो भी आप जो पेड़ वगैरह देख रहे हो ये उन्हीं के थ्रू उन्होंने काफ़ी साल पहले तो यहाँ पे पेड़ वगैरह लगाए थे, तो अभी देखो इनकी मतलब बहुत अच्छी ग्रीनरी वगैरह बहुत काफ़ी अच्छी हो गई है अभी। और दूसरी चीज़ ये है कि उस सामने जो आप देख रहे हो साइड पे, तो ये है मतलब हॉट स्प्रिंग वाटर है, तो बोटिंग वगैरह भी यहाँ पे अच्छे से चल रही है, तो अच्छा है इसमें। तो जो पर्यटक यहाँ आना चाहते हैं उनके लिए कोई मैसेज कि यहाँ पर आ सकते हैं, कोई प्रकार दिक्कत का सामना नहीं करना? नहीं, फैसिलिटी यहाँ जैसे अभी कोरोना वगैरह तो अभी चल रहा है आपको पता ही है, उसकी प्रॉपर गाइडलाइन फॉलो करके तो जो भी टूरिस्ट वगैरह तो आ सकता है यहाँ पे, हर चीज़ की उनके लिए फैसिलिटी अवेलेबल है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मेरा नाम सतपाल बड़ियाल है, मैं टिकरी उधमपुर से रहने वाला हूँ। बहुत ही अच्छी स्पॉट है ये, नेचुरल व्यू के हिसाब से कुदरत ने जो यहाँ बनाई हुई है, ये यहाँ बड़े बड़े दूर दूर से लोगों को आना चाहिए, बड़ी बड़ी मेन सिटी से यहाँ लोगों को यहाँ देखना चाहिए कि कुदरत ने यहाँ कैसे करिश्मे बनाए हुए हैं देखने के लिए। लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है, इसको यहाँ डेवलपमेंट काफ़ी तरीके से ज़्यादा होनी चाहिए, वो यहाँ नहीं है। कोई कार पार्किंग नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर तो बिल्कुल है ही नहीं है, टॉयलेट का कोई सिस्टम है ही नहीं है, और जो रोड जो ये लिंक हुई है रियासी से यहाँ तलवाड़ा से लेकर इधर तक, वो बिल्कुल ही खस्ता हालत में है, और वहाँ एक्सीडेंट होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। लोगों को यहाँ अगर आना भी है तो बहुत ही अलर्ट और कॉशियस होकर आना पड़ता है। माय नेम इज़ रितिका बड़ियाल। कहाँ के रहने वाले हो आप? हम उधमपुर से हैं। कैसा लग रहा है कि जम्मू में कुछ इस तरह के स्पॉट्स हैं, क्या चीज़ें आपको लगता है यहाँ पर और बेहतर हो सकती है? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब न्यू टूरिस्ट स्पॉट बन रहे हैं, बाहर से लोग यहाँ आएंगे, यहाँ की इकॉनमी डेवलप करेंगे, बट यहाँ पे डेवलपमेंट होनी चाहिए थोड़ी। अभी हमें भी फर्स्ट टाइम पता चला कि यहाँ पे कोई न्यू स्पॉट है, तो हम लोग देखने के लिए आए, बहुत अच्छा लगा हमें, बट यहाँ पे अभी डेवलपमेंट की ज़रूरत है। लाइक यहाँ पे टॉयलेट फैसिलिटीज़ अभी नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी मतलब शॉप है एक दो ही है, ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे जब लोगों को पता चलेगा आपके थ्रू, जैसे आप ये कास्टिंग कर रहे हो, तो लोगों को पता चलेगा यहाँ न्यू स्पॉट है, तो ऑब्वियसली यहाँ डेवलपमेंट होगी। थैंक यू। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है, इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।